हाय एवरीवन गाइस, आज की ये वीडियो काफ़ी अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों को एक काफ़ी मज़ेदार से टूल के बारे में बताने वाला हूँ, जिस टूल से आप लोग जो है किसी भी बंदे की, किसी पार्टिकुलर बंदे की जो है जानकारी निकाल सकते हो, समझ गए। सो आज की वीडियो जो है मैं ये सोच के बनाऊंगा कि आप लोगों को टर्म्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, मतलब ज़्यादा टर्म्स के बारे में नहीं जानते आप लोगों ने कभी टर्म्स चलाए नहीं, ये सोच के वीडियो बना रहा हूँ। बाकी जो लोग जानते हैं कि टर्म्स क्या होता है, उसके अंदर के पैकेजेस, सब चीज़ जानते हैं, उनके लिए तो खैर ये वीडियो है ही, और जो बंदे नॉन टेक्निकल हैं उनके लिए भी ये वीडियो है क्योंकि कई बार कुछ ऐसे लोग भी जानना चाहते हैं ऐसी ट्रिक्स को, ठीक है। तो सब कुछ मैं स्टार्टिंग से अच्छे से बताऊँ, हालांकि वीडियो कोशिश करूँगा छोटी से छोटी बनाऊँ, ओके। सो चलिए सबसे मैं आप लोग को बता दूँ कि आप लोग अगर बेसिक आप लोगों को टर्म्स के बारे में नहीं होता, तो टर्म्स एक जो एप्लीकेशन है आप लोग फटाफट से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, एप्रोइड नाम की वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आप लोग टर्म्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड इसके अलावा मैं अपने टेलीग्राम की लिंक भी दे दूँगा, टेलीग्राम पर मैंने जो है वो टर्म्स एप्लीकेशन डाल रखा है, तो आप लोग जाओ, अगर आप लोग टेलीग्राम चलाते हो तो वहाँ से भी डायरेक्ट जा करके टर्म्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, जो टर्म्स का लेटेस्ट वर्जन है उसके लिए भी मैं नीचे दे दूँगा, समझ गए, और ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक भी नीचे दे दूँगा। तो आप लोग सबसे पहले उस एप्लीकेशन को जाकर डाउनलोड कर लो अगर आप लोगों ने अब तक नहीं किया है तो, एंड अगर आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो, आप लोग जानते हो टर्म्स के बारे में, तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं, उस टूल के बारे में जानते हैं। सो गाइस, उस टूल का नाम है यूज़र फाइंडर, काफ़ी अमेजिंग सा टूल है। इस टूल में आप लोग क्या करते हो ना, आप लोग इस टूल को चलाते हो, जैसे ही स्टार्ट होगा आप लोगों को इसमें कोई भी एक पार्टिकुलर यूजर नेम डाल देना होता है, जैसे आप लोग यूजर नेम डालते हो, कोई सा यूजर नेम, इंस्टा का हो, ट्विटर का हो, यूट्यूब का हो, कहीं का भी यूजर नेम, बस आप लोगों को वो यूजर नेम डाल देना, फिर उस यूजर नेम से जितनी भी जुड़ी जानकारियां हैं वो सब आपके सामने लिस्ट होगी। काफ़ी मैंने कहा इसको ट्राई करा, और जो जानकारी लिस्ट होंगी ना, उन जानकारियों के साथ आपको एक लिंक भी प्रोवाइड कर दी जाती है, जिस लिंक के थ्रू आप लोग डायरेक्ट उस साइट, उस पेज पर जा सकते हो और भी जानकारी हासिल कर सकते हो किसी भी पार्टिकुलर बंदे की। चलिए फिर फटाफट से अब जो है इसका एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं अपने टर्म्स में, ओके। सो गाइस, ये रहा यहाँ पे टर्म्स एप्लीकेशन, जिसके बारे में आप लोगों को बताया था, अगर आप लोग नहीं जानते तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की दो लिंक मैंने नीचे दे रखी है, वहाँ से डाउनलोड करना है। उसके अलावा अगर वहाँ से ना हो तो आप लोगों को एक वीडियो देखनी पड़ेगी, जो इस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगा, कि हाउ टू इंस्टॉल टर्म्स इन योर एंड्रॉइड। उसमें मैंने आप लोगों को टर्म्स को इंस्टॉल करने के बाद उसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है, जो हमें करना पड़ता है अपडेट एंड अपग्रेड टर्म्स को, वो सब अच्छे से बताया रखा है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर से देख लेना अगर आप लोग पहली बार टर्म्स को यूज़ करने जा रहे हो। तो काफ़ी काम की एप्लीकेशन आप लोग को बता दूँ मैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अगर आप लोग जानते तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते। तो इस टर्म्स एप्लीकेशन में हमें करना है ओपन, एंड यहाँ पे हमें जो है जिस टूल के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ यूज़र फाइंडर, उसको यूज़ करने के लिए केवल एक ही पैकेज की जरूरत है। पैकेजेस कुछ चीज़ होती है जिससे हमारे जो है टूल्स रन होते हैं, तो ये आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जान लीजिए। तो एक पैकेज है, उस पैकेज का नाम है गिट, ये आप लोगों में इंस्टॉल होगा। अगर आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो नहीं हो तो इंस्टॉल कर लेना, आप लोगों को सिंपली लिखना है पैकेज यानी कि PKG, फिर इंस्टॉल स्पेस और वो GIT गिट, तो यही पैकेज आप लोग कर लेना है इंस्टॉल, ठीक है। मेरे में पहले से इंस्टॉल है तो मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा, एक बार इंटरनेट चालू करता हूँ मैं अपना, और यहाँ पे इसको एक बार रन कर देता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये ऐसे जो है गिट पैकेज ऐसे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, इंटरनेट चालू रखना अपना, मैंने पहले से कर रखा, तो मेरे में हो सकता है ज़्यादा टाइम ना ले, तुरंत की तुरंत अभी सब हो जाए, ओके। तो वैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे में गिट पैकेज जो है अपडेट हो गया, इंस्टॉल पहले से था, आप लोग भी टाइप करके एंटर कर देना अगर आप लोग में गिट पहले से इंस्टॉल होगा तो, अगर कोई अपडेट आया होगा तो अपडेट भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये पैकेज इंस्टॉल हो गया, आपको सिंपली यहाँ पे जो है एक कमांड है उसको कॉपी पेस्ट करना है, ओके। मैं उस कमांड को सिंपली यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, ओके। देखिए ये कमांड यहाँ पेस्ट हो चुकी है, आप लोग यहाँ पे देखते हो यहाँ पे लिखा पड़ा है GIT गिट, फिर क्लोन, फिर https://github.com/mish, ये सब एक साथ ही है, ओके। MISHA फिर नीचे आ जाइए, AKORZIK सब एक साथ ही, फिर स्लैश यूज़र फाइंडर, ओके। तो सब बिना स्पेस दिए पूरा लिख देना, ये HTTPS से बिना स्पेस दिए क्योंकि ये वेबसाइट के लिंक है, तो आप लोगों को बताओगे, बाकी यूज़र क्लोन में जो है स्पेस दे देना। तो ऐसे ही आप लोग सिंपली अपने टर्म्स में जो है टाइप कर देना गाइस, ओके। मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ टेक्स्ट प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है, बिल्कुल कराऊंगा मैं। चलिए फिर ये लिखने के बाद आप लोग कर दें एंटर, ओके। ये हमारी लास्ट कमांड है हमारे इस टूल को इंस्टॉल करने के लिए। देखिए ये छोटा सा टूल है काफ़ी, कुछ KB का तो तुरंत हमारे टर्म्स में जो है इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पे जो है डाउनलोड हो चुके, क्लोनिंग हो चुके हमारे टर्म्स में, फटाफट से इसको यूज़ करते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो जान लेते हैं, सिंपली हम लोग LS करेंगे। देखिए यहाँ पे यूज़र फाइंडर नाम का एक ऐसे डायरेक्टरी आ चुकी है ब्लू कलर में, ये टूल है हमारा यूज़र फाइंडर। सिंपली सबसे पहले हम लोग जो है इसके अंदर जाएंगे, उसके लिए हम लोग CD लिखेंगे, स्पेस लिखेंगे, ठीक है, फिर यूज़र, फिर FINDER, यानी कि जो ये लिखा है इसी को यहाँ से कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हो, चाहो तो टाइप भी कर सकते हो, एंटर करना, इसके अंदर आ जाएंगे। देख लीजिए हम मुझे इसके अंदर आ चुके हैं, फिर यहाँ पे LS टाइप करना है आप लोगों को, चाहो तो ना भी करो लेकिन कर देना LS टाइप, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को देख रहे हो, आप लोग सबसे नीचे स्क्रिप्ट देख सकते हो userfinder.sh, ठीक है, इसी स्क्रिप्ट को हमें रन करना है। ये एक स्क्रिप्ट है बैच स्क्रिप्ट .sh लिखा पाया ना, इससे हमें पता चलता है कि ये जो है ये एक बैच स्क्रिप्ट है। तो इसको रन करने के लिए हम सिंपली जो है बैश कमांड का यूज़ करेंगे, हम लोग लिखेंगे BASH बैश स्पेस, फिर सिंपली जो ये पूरा लिखा है इसको यहाँ से करेंगे सेलेक्ट, फिर करेंगे कॉपी और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, ओके सिंपल। तो अब हम जैसे एंटर करेंगे ये जो है हमारा रन हो जाएगा, मैं इसको एंटर करता हूँ, देखिए यहाँ पे रन हो चुका है। ये थोड़ा ऊपर जो है यूज़र फाइंडर लिखा पड़ा, लेकिन ये जो मैंने इसको जूम इन कर रखा है, जैसे थोड़ा ऊपर का थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो इसकी टेंशन मत लो। सिंपली अब इस टूल को यूज़ कैसे करते हैं ये देखिए,
तो जिस बंदे की भी आप लोगों को कोई जानकारी निकालनी है, आप लोग सिंपली यहाँ पर जो उसका कोई भी एक इंस्टाग्राम ट्विटर कोई भी कुछ सोशल मीडिया तो चलाता हो, तो सिंपली वहाँ से उसका यूज़र नेम उठाओ और यहाँ पे डाल दो। ओके, जैसे कि मेरा पहला पुराना मेरा एक हैशटैग नाम का एक चैनल था जो मैंने अभी चेंज हटा दिया उस चैनल को, तो उस हैशटैग की मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना रखा था, तो मैं यहाँ पे हैशटैग सिर्फ यूज़र नेम लिखा, याद रखो हैशटैग HSCKZTALK हैशटैग, ये मैं सिंपली यूज़र नेम लिख रहा हूँ ठीक है, और अब करेगा एंटर। तो देखिए अब इस यूज़र नेम पे पूरी इंटरनेट पे पूरी दुनिया में इंटरनेट पे जो भी चीज़ होंगी उस सबकी लिंक यहाँ पे आ गई। देखिए इंस्टाग्राम फाउंड, ये देखिए यहाँ पे दिखाता है इंस्टाग्राम फाउंड हुआ, तो इंस्टाग्राम की जो है लिंक पूरी आ गई, ठीक है। फिर फेसबुक भी फाउंड हुआ, फेसबुक मैंने बना रखा था, ट्विटर भी फाउंड हुआ, ट्विटर भी मैंने बना रखा था, तो जो जो चीज़ें फाउंड होंगी वो सभी चीज़ें आ जाएंगी। और जिस जिस प्लेटफॉर्म पे इस नाम से चीज़ नहीं होगी वो नॉट फाउंड, जैसे देखिए यूट्यूब मैंने पहले बना रखा था अब उसको हटा दिया, तो यहाँ पे नॉट फाउंड लिखा आ रहा है। अगर मेरा यूट्यूब बना होता है एक्स्ट्रा नाम से तो वो भी यहाँ पे फाउंड आ जाता है। तो गाइस इस तरीके से आप लोग यहाँ पे लिंक भी प्रोवाइड हो जाती है। फिर आप लोग क्या करो, इस लिंक को यहाँ से कॉपी करो और गूगल में पेस्ट करो, तो आप लोग इससे किसी बंदे की कोई भी जानकारी निकाल सकते हो। तो काफ़ी अच्छा और बढ़िया टूल है ये, किसी की भी जानकारी निकालने के लिए। गाइस हर बंदे की जानकारी आज के टाइम पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इजीली पड़ी हुई होती है, जैसे कि फेसबुक प्रोफाइल हो गई या फिर इंस्टा प्रोफाइल हो गई, और या फिर कई सारी प्रोफाइल्स होती है, आप लोग वहाँ पे जाकर किसी बंदे की जानकारी निकाल सकते हो। गिटहब वोटहब देखिए जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ना इंटरनेट पे हैं, उन सभी पे ये जो टूल है वो आपकी यूज़र नेम को चेक करेगा और जहाँ जहाँ होगा वहाँ पर फाउंड होगा, वहाँ वहाँ की ये जो लिंक है वो आप लोगों को प्रोवाइड करा देगा, और जहाँ जहाँ नहीं होगा वहाँ पर नॉट फाउंड ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा। अब मैं जरा इसको रोकता हूँ, ठीक है, वरना ये चेक करता रहेगा बहुत सारी वेबसाइट्स हैं इंटरनेट पे, तो इसको रोकने के लिए सिंपली कंट्रोल सी करते हैं, और ठीक है तो ये रुक जाएगा। अब देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूँ कि इसने क्या क्या फाइंड करा है। तो यहाँ पे देखिए इसने सबसे पहले इंस्टाग्राम फाउंड कर लिया, मैं तो सिर्फ हैशटैग लिखा था, ओके, तो इंस्टाग्राम पे जो है हैशटैग नाम से एक अकाउंट है और उसकी लिंक इसने मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करा दी। मैं तो थोड़ा जूम आउट करता हूँ, देखिए तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा अच्छे से दिख जाए, तो देखिए हाँ ठीक है। तो देखिए इंस्टाग्राम यहाँ पे फाउंड हुआ और इसके सामने जो है इसकी लिंक आ गई इंस्टाग्राम पर भी, फिर उसके बाद फेसबुक पर भी हैशटैग नाम से एक अकाउंट बन रखा है, उसकी लिंक भी मेरे सामने आ गई। ऐसे ही ट्विटर पर भी एक अकाउंट रखा गया, ये मेरे अकाउंट मैंने बना रखा है, तो काफ़ी बढ़िया टूल है ये, ठीक है। अगर आप लोग पसंद है यूज़ करिए, एंड गाइस इसके अलावा अगर मुझे पसंद तो लाइक करना, और टेक्निकल बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।